यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 का एक नया टॉपिक जो है वो कंप्लीट रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है हायर एजुकेशन। लास्ट हम लोगों ने जो है वो अभी तक हम लोग टीचिंग का, ठीक है, रिसर्च का, आईसीटी का, कम्युनिकेशन का, ये सब टॉपिक जो है हम लोग रिवाइज करके आ चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो हमारा करेंगे हायर एजुकेशन के टॉपिक को कम्प्लीटली रिवाइज, जिसके अंदर हायर एजुकेशन का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के हमने हायर एजुकेशन का, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड की थी, तो इसके अंदर हमने हायर एजुकेशन के सिलेबस को जो है वो 6 चैप्टर में डिवाइड किया था, जिसमें से जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो आपको नहीं करना था, जिसके अंदर सारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, क्योंकि वो पहले अर्लियर सिलेबस में था, तो लेकिन मैंने डाल दिया क्योंकि पॉलिटिक्स में लिखा हुआ था, बट मुझे लगता नहीं कि वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो मेन हायर एजुकेशन के अंदर जो भी आपका सिलेबस आता है उसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया, जिसके अंदर आपका एंशिएंट एजुकेशन वो भी आ गया, आपका ट्रेडिशन हो गया, ठीक है, वो भी, और आपका जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी आ गया, अलग अलग उसके जो इनिशिएटिव है वो भी आ गया, एक्रेडिटेशन के जो है आपके NAC हो गया, NBO हो गया, NFRA हो गया, वो सब टॉपिक हमने इसके अंदर डाला हुआ था। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम जितना भी टाइम लगे, चाहे उसमें लगे 1 घंटा, चाहे लगे 1.5 घंटा, चाहे लगे 2 घंटे, हमारे पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को जो है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको करना क्या है, आप जो है अपनी कॉपी जो आपको क्लासरूम के दौरान अगर आपने कोई नोटिंग करी है तो वो आप साथ में खोल के बैठिएगा, और साथ में जो है वो आपको क्या करना, अपने नोट्स को सामने रख के बैठिएगा। ओके, तो मैं जैसे बोलता रहूंगा तो आप उसको जो है कोरिलेट करते रहिएगा। ओके, हाँ जी सर, चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसका, इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। यहाँ पे बात किया जाएगा किसका, एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट इंडिया की बात तो यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर आपको दो बातें जो है वो याद करके जानी थी। एक तो था डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है दो, फर्स्ट पेज पे दो आपको जो है वो डेफिनेशन याद करके जानी है। एक तो याद करके जानी है हायर एजुकेशन क्या है, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का। अगर बात करता हूँ पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, तो भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बेसिकली क्या, इट इज अ राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन एज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द वर्किंग एज ग्रुप। इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि 70% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज ग्रुप के अंदर आती है। जब किसी कंट्री के अंदर मान लीजिए मेजोरिटी लोग जो है वो आपके वर्किंग एज ग्रुप के अंदर होंगे, तो उससे क्या होगा, जितने ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे उतना ज्यादा कंट्री का GDP बढ़ेगा, और उतना ज्यादा कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। इस टर्म को, इस ये जो आपका सिनेरियो है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अगर बात करूंगा मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो ये क्या कि जब आपकी कंट्री के अंदर मेजोरिटी जो आपके जो पॉपुलेशन है वो आपके किसमें, वो वर्किंग एज ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक वर्ड था हायर एजुकेशन, तो वर्ल्ड डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन को डिफाइन किया गया, और ये बोला गया हायर ऑल टाइप ऑफ स्टडी, हर तरह की वो स्टडी ट्रेनिंग या ट्रेनिंग फॉर द रिसर्च एट द पोस्ट सेकेंडरी लेवल, पोस्ट सेकेंडरी लेवल के बाद की, मतलब प्लस टू के बाद की पढ़ाई जो भी है, प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट दैट आर अप्रूव्ड एज इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन बाय द कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी। ये सब जो है वो किसके अंदर आती है, आपका हायर एजुकेशन में। अब अगर बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम का, तो इंडिया का 3rd नंबर पे एजुकेशन सिस्टम आता है। सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम US का, देन उसके बाद में चाइना। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड विद मिलियन ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसके बाद भी अपने इंडिया के अंदर जो है वो वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो आपको शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो ओनली ग्रेजुएट तो करवा देते हैं, डिग्री आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, तो उसकी वजह से अपने को जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब इसके बाद जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहां पे बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसके बेसिकली कितने लेवल है, 4 लेवल है, एक है प्री प्राइमरी, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, और एक कौन सा, टर्शरी, ठीक है। टर्शरी के अंदर आएगा कौन सा, जो प्लस टू के बाद की जो एजुकेशन है वो सारी किसका पार्ट है, आपके टर्शरी लेवल के अंदर है। तो टर्शरी लेवल आपका जो हायर एजुकेशन है वो सब किसका पार्ट है, आपके टर्शरी लेवल का। ओके जी, तो टर्शरी लेवल के अंदर आपका हायर एजुकेशन भी आएगा, और साथ में वोकेशनल जो एजुकेशन है वो भी सब इसी का पार्ट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में फिर अगर हम बात करते हैं किसका, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया। तो अगर मैं बात करूंगा एंशिएंट इंडिया का, तो एंशिएंट इंडिया के अंदर जो आपकी जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था अपना इंडिया के अंदर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था आपका वैदिक और एक था कौन सा, बुद्धिस्ट। तो सबसे पहले आया कौन सा, आपका वैदिक सिस्टम, वैदिक के बाद में आया कौन सा, बुद्धिस्ट सिस्टम, और बुद्धिस्ट के बाद में जो है उनका मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या हो गया, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आ गया, और उसके बाद में जब अपने यहां पे
मुस्लिम जो वो थे राजा थे, जब उन्होंने क्या किया, हमला किया, तो उसके बाद में जो सिस्टम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। देन उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए और फिर करंट सिनेरियो चल रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले नंबर पे जो सिस्टम चला उसका बोलते हैं आप लोग क्या, वैदिक। दूसरे नंबर पे जो आया वो था कौन सा, बुद्धिस्ट। तो इन दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर, आपका एंशियंट एजुकेशन। तो अपने इंडिया के अंदर जो एंशियंट एजुकेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज द बोलो वन इज द वैदिक, अनदर वन इज द बुद्धिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे किसका, वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन के अंदर बेसिकली जो है वो क्या, वहां पर पढ़ाई कराई जाती थी किसकी, वेद की, ठीक है। जो आपके वेद हो गए हैं, उपनिषद हो गए हैं, पुराण हो गए हैं, तर्कशास्त्र हो गए, लॉजिक्स हो गए, तो इनकी जो है वो बेसिकली क्या पढ़ाई करवाई जाती थी। मैंने आपको सारा जो है वो हाईलाइट करके बता रखा है, तो उसको आप साथ साथ में करते रहिएगा, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे जो है, जो हमारा वैदिक सिस्टम के अंदर जो है जो आपको पढ़ाई करवाई जाती थी, तो उसका जो मोड रहता है वो सारा क्या था, ओरली। मतलब जो पढ़ाई करवाई जाती थी वो कैसी थी, ओरली थी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यहाँ पे जो शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती थी वैदिक सिस्टम के अंदर, तो उसको जो है बेसिकली उसके तीन जो है वो डायमेंशन थे। सबसे पहले था जी आपका कौन सा, श्रवणा। श्रवणा के अंदर जो है ओनली क्या, जब आप एजुकेशन को गेट करते हैं ओनली सुन करके, उसको बोलते हैं श्रवण करना, सुनना। उसके बाद सेकंड जो आपका लेवल आता है उसको बोलते हैं मनना। मनना मतलब जब आप मनन करते हैं, बोले तो जब आप उसके बारे में क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, बोले तो मीनिंग पीपल टू थिंक। जब जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, टू थिंक एनालाइज देमसेल्फ अबाउट व्हाट दे हर्ड, एसिमिलेट द लेसन टॉट बाय देयर टीचर एंड मेक देयर ओन इन्फ्लुएंस। मतलब जब स्टूडेंट जो है वो सोचता है कि टीचर ने जो उसको लेसन दिया उसके बारे में, जब वो खुद से क्या करते हैं, मनन करता है, उसको बोलते हैं मनना। और एट द एंड में जाकर तीसरा जो आता है वो है कौन सा, निध्यासना। निध्यासना के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, जो आपने शिक्षा ग्रहण करी है उसको आप रियल लाइफ के अंदर जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, निध्यासना। तो बोलता है मेन गोल जो था आपका एंशियंट एजुकेशन के अंदर, जो वैदिक के अंदर या फिर चाहे बुद्धिस्ट की बात करो, तो उसके अंदर एक ही हमारा मेन गोल था और वो क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या बोलता है, सेल्फ रियलाइजेशन। वहां पर नॉलेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होती है आपकी प्रविद्या और एक होती है अप्रविद्या। प्रविद्या होती है आपका हायर एजुकेशन, जिसके अंदर स्पिरिचुअल बात की जाती है, बोलते द हायर नॉलेज एंड द स्पिरिचुअल विजडम। और अप्रविद्या जो है वो क्या होती है, लोअर नॉलेज एंड द सेक्युलर साइंस बोलते हैं इसको। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो हमारा वैदिक सिस्टम था, तो वहाँ पे जो एजुकेशन आपको ओरली प्रोवाइड की जाती थी, वहाँ पे मेन जो अटेंशन दी जाती थी वो दी जाती थी करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड्स के ऊपर, पाड़ा एंड इवन लेटर। तो इनके ऊपर जो है बेसिकली ध्यान जो है वो ज़्यादा दिया जाता था। तो अपने जो संत साधु होते थे, तो वो लोग जो है बेसिकली क्या करते थे, पढ़ाई करवाते थे यहाँ पे, ठीक है। जो प्योर यहाँ पे जो मेथड चलता था वो क्या था, ओरल मेथड था। इसका मतलब क्या, ओरल टीचिंग जो है प्रोवाइड की जाती थी। और जो सेकंड मेथड चलता था टीचिंग का वो था क्या, चिंतन, बोलता थिंकिंग, ठीक है। सो द प्राइमरी सब्जेक्ट जो था एजुकेशन का वो क्या था, वो माइंड इटसेल्फ था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद की जो है एडमिशन का जो क्राइटेरिया था वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, मोरल फिटनेस के ऊपर। तो यहां पे जो आपका जो प्यूपिल है, जब वो जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसको जो है वो पहले तो अपना ब्रह्मचार्य का जो पालन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेलिबेसी, ठीक है। वो उसके लिए क्या था, जरूरी था। और वो जो है वो प्यूपिल जो है वो टीचर के घर पर रह के जो वो क्या करता था, पढ़ाई करता था। एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद क्या आगे की अगर कहानी की हम बात करें, तो उसके बाद में फिर बोलता है कि एजुकेशन जो थी वो इस टाइम पे जनरली क्या थी, आपकी फ्री थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसमें जो मेन जो बात थी वो था कि डिग्निटी जो है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता था। एडमिशन का जो क्राइटेरिया, जब एक स्टूडेंट को एडमिट किया जाता था, उस टाइम पे उसकी जो सेरेमनी की जाती थी, इनिशिएशन, उसको बोलते हैं क्या, उपनयना। क्या बोलते हैं, उपनयना। तो एडमिशन द स्टूडेंट वाज मेड फॉर्मल सेरेमनी, उपनयना, इनिशिएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो गुरु के घर पे उसकी जो है वो पढ़ाई, अपना पढ़ाई शुरू होती थी एट द एज ऑफ 5। तो 5 साल की उम्र में जो है इसको भेज दिया जाता था और वहां से इसकी जो शिक्षा वो क्या होती थी, स्टार्ट होती थी। इसके बाद अगर बात करते हैं किसका, वुमेन का, तो वुमेन को भी जो है वो हाई स्टैंडर्ड जो है प्रोवाइड किया गया लर्निंग के लिए। और दो क्लास ऑफ एजुकेटेड वुमेन जो है वो बनी, एक थी आपकी कौन सी, सद्बोधवास, और एक थी आपका कौन सा, ब्रह्मवादिनी। तो सद्बोधवास के अंदर जो है वो लड़की जो है वो अपनी मैरिज तक जो है वो क्या करती है, पढ़ाई करती है। और ब्रह्मवादिनी के अंदर जो है जो लड़की ये बोलती है कि मुझे मैरिज नहीं करनी, तो वो अपनी ताउम्र मतलब एट द एंड तक जो है वो अपनी पढ़ाई को क्या करती है, चालू रखती है, ठीक है। और जो पढ़ लिख जाती हैं लड़कियाँ, तो उनको बोलते थे यहाँ पे क्या, मैत्रिया गार्गी। तो ये ध्यान रखना, हेयर वी कैन नेम स्कॉलरी वुमेन को क्या बोलते थे, मैत्रिया गार्गी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पे जो मेन पढ़ाई करवाई जाती थी वो करवाई जाती थी किसकी, उसमें जो मेन था वो था आइडियल प्रैक्टिसेस एंड कंडक्ट कॉल्ड द धर्म। तो इसकी बेसिकली जो है वो पढ़ाई करवाई जाती थी। जो अपने यहां पे जो मेन डॉक्ट्राइन था, जो रूल चलता था, वो था कौन सा आपका, द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन, मतलब कर्म ऑक्यूपाई ए वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस। तो यहां पे टीचर यही सिखाते थे, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपके पास में क्या आएगा, वापस आएगा। इधर बेसिकली वेदों का ज्ञान दिया गया। तो वेद कुल मिला के जो है वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पे वैदिक सिस्टम के अंदर जो है वो वेदों का ज्ञान दिया गया। तो 4 वेद में सबसे पहले आपका ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद जो है वो कौन सा आपका, ऋग्वेद। फिर
आएगा साम, फिर आएगा यजुर और फिर आएगा कौन सा अथर्व। तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर जो पढ़ाई करवाई उसमें प्लेन लिविंग के ऊपर चर्चा की गई, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। जो गायत्री मंत्र था जो सामवेद के अंदर पाया गया, जिसका सामवेद के अंदर बेसिकली आप लोग जो है वो क्या करते हैं वर्णन करते हैं, तो उसको शुरुआत उसकी कहाँ पे ऋग्वेद के अंदर हुई थी, ठीक है जी। और ऋग्वेद के अंदर टोटल मिला गया 1028 हाइम्स, हाइम्स बोले तो कविताएं जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या की गई, लिखी गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि सर सामवेद आया, तो सामवेद जो है कलेक्शन है किसका, वर्सेस का। इसके अंदर कविताएं जो है वो है जो आई थी कहां से, ऋग्वेद से। 4 लिटर्जिकल बोले तो जो मरने के बाद में जो बेसिकली उसकी जो क्रियाक्रम होता है, तो उस टाइम की जो वो पुरानी जो कथाएं हैं या जो कविताएं हैं, तो वो सब जो है वो किसके अंदर लिखी हुई है, वो आपका सामवेद में है। फिर अगर बात करेंगे किसका, यजुर्वेद का, तो इसके अंदर जो है वो सारे के सारे जो चैंटिंग आती है, हाइम्स आती है, वो किसकी आती है, जब सेक्रीफाइसिस की। और एट द एंड में जो है वो कौन सा आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद थोड़ा सा जो है वो क्या है आपका मोर ओरिजिनल है कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अथर्ववेद ऑल्सो रिकॉग्नाइज वेयर इट इज मोर ओरिजिनल इन कंटेंट। मेजोरिटी ऑफ मंत्र जो है यहां पे हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द ऋग्वेद, ठीक है। जो ऋग्वेद में एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, तो वो बेसिकली इसको यहां पे लिया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ओरिजिनलिटी के ऊपर बात करता है। अथर्ववेद इज थोरोली सेक्युलर इन नेचर, ये सेक्युलर नेचर में कंटेनिंग ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस आर्ट्स एंड साइंस, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, फिर है जी अपना कौन सा बुद्धि सिस्टम, कौन सा बुद्धिस्ट। अगर बुद्धिस्ट की बात करता हूं, तो बुद्धिस्ट के अंदर बेसिकली जो है पढ़ाई जो करवाई जाती थी, वो करवाई जाती थी कहां पे, मठ के अंदर, जिसको बोलते हैं मोनेस्ट्री एंड विहार, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लॉर्ड बुद्ध ने रियलाइज किया नेसेसिटी ऑफ द एजुकेशन फॉर डिवोटी एट लार्ज। लॉर्ड बुद्ध ने ऐसा उनको लगा कि भाई जो डिवोटीज है उनके, ठीक है, जो उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए जो है अपने को काम करना चाहिए। तो सम मोनेस्ट्री एंड विहार वर एस्टेब्लिश लेटर ऑन, मेनी ऑफ द मोनेस्ट्री बिकम फुल फ्लेश सेंटर बन गए, किसके, एजुकेशन के, वे जहाँ पे भिक्षु जो होते थे या भिक्षुसनी जो थी होती थी, एंड कॉमन पीपल एंड द फॉरनर वर गिवन चांस टू एक्वायर द एजुकेशन, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पे जो एजुकेशन स्टार्ट होती थी फॉर्मली, वो कब, 8 साल की उम्र के अंदर स्टार्ट होती थी, और ये सभी कास्ट के लिए जो है वो क्या था जी, ओपन था। यहाँ पे जब वो पढ़ाई शुरू होती थी, तो वहाँ पे आपको जो है प्रसेप्टर बनना पड़ता था, मतलब पढ़ाई प्रसेप्टर बन के स्टार्ट होती, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोंक, मोंक बोलते हैं या फिर साधु बोलते हैं। इसके बाद में फिर अपने इंडिया के अंदर जो है वो वोकेशन एजुकेशन का भी क्या किया गया, स्टार्टिंग किया गया। लेकिन ये जरूर पढ़ के जाना, मेन सब्जेक्ट जो बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंदर पढ़ाए जाते थे वो कौन कौन से थे, वो थी आपकी 3 तो पिताकस, ठीक है, वर्क ऑफ ऑल 18 स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, इन सब के बारे में जो है पढ़ाई आपकी करवाई जाती थी कहाँ पे, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। इसके बाद अपने इंडिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड करवाई गई, और वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड किस तरीके से, या फिर जो नॉलेज जो इम्पार्ट की जाती थी बुद्धिस्ट सिस्टम, वो कैसे थी, एक था मेमोराइजेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इट मेनली डील विद द रिटेंशन ऑफ द फैक्ट। फिर था क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस जिसके अंदर एग्जाम्पल देके जो है वो पढ़ाई करवाते थे। फिर था क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण करके भी पढ़ाई करवाते थे। फिर था जी आपका कौन सा, स्टोरी टेलिंग, तो लॉर्ड बुद्धा जो थे वो स्टोरी टेलिंग मेथड को फॉलो करते थे अपने डिवोटी को पढ़ाने के लिए। फिर था क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, तो इसके अंदर बेसिकली डिस्कशन करके जो पढ़ाई करवाई जाती थी। फिर था हैंड ऑन मेथड, जिसके अंदर प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता था। और एक था आपके क्या, सेमिनार, तो सेमिनार बेसिकली जो है जहाँ पे डिबेट करके जो पढ़ाई करवाई जाती थी। जनरली एक वेद को सीखने के लिए यहाँ पे आपको जो है वो 12 ईयर फॉर अ स्टूडेंट टू डेवलप द एक्सपर्टाइज इन वन वेदा, एंड देयर फॉर इट वुड बी 12 ईयर, 20 ईयर, 36 ईयर एंड सो ऑन भी चलता जाता था। जो ग्रेजुएट होते थे उनको बोलते थे हम लोग क्या, स्नातक, और ग्रेजुएट सेरेमनी को बोलते थे क्या, समवर्तना, क्या बोलते हैं, समवर्तना। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे जो है वो एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब टाइप ऑफ टीचर के नाम पे सबसे पहले आचार्य, आचार्य वो थे जो वेदों की नॉलेज प्रोवाइड करते थे। फिर थे उपाध्याय, ये बेसिकली वो होते थे जिनको जो वेदों का कुछ पोर्शन जो है वो सिखाने का काम करते थे। फिर थे अपने कुछ चरक, चरक बेसिकली जो है वो उस नेशन में विजिट करते थे जहाँ पे हायर एजुकेशन की शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और ये जो है बेसिकली नॉलेज देने का काम करते थे। फिर थे हमारे कुछ गुरु जो ग्रस्त लाइफ के बारे में जो है वो नॉलेज देने का काम करते थे। फिर थे अपने ये युजान सत्य की, ये जो थे ये बेसिकली प्रोफाउंड स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते थे। और फिर थे आपके ये शिक्षक का, ये बेसिकली आर्ट्स और डांसिंग की जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते थे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पे आपके पास में कुछ गुरुकुल थे, तो गुरुकुल को तो बोलते हैं बेसिकली क्या, हाउस ऑफ द टीचर। फिर आपके कुछ परिषद थे, परिषद जो है यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट जो है वो सेटल होते थे, और ये इसको स्टार्टिंग 3 ब्राह्मण ने जो है वो इसको किया था। फिर कुछ हमारी गोष्ठी थी, गोष्ठी बोले तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो इसको जो ग्रेट किंग थे
थे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आकर डिस्कशन करते थे। फिर हमारे कुछ आश्रम भी बने, आश्रम के अंदर बेसिकली क्या जो सेजेस होते हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो अपना स्पिरिचुअल ज्ञान जो है वो प्रोवाइड करते थे। इसके बाद कुछ हमारे विद्यापीठ थी तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए, घटिकास थे हमारे कुछ जहाँ पे लोग आते थे और डिस्कशन करते थे, आगरेस थे हमारे यहाँ पे, आगरेस बेसिकली जो है वो थे आपके विलेजेस के अंदर, जो जो ब्राह्मण है वो विलेजेस में जाके एंट्री वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाते थे। कुछ मठ थे, कुछ ब्रह्मपुरी और कुछ विहार, बेसिकली जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, मठ होते हैं, तो वो इसका पार्ट थी। इस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती थी। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो बोलता है मेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द एंशियंट एजुकेशन, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आया कौन सा आपका, तक्षशिला। अगर बात करेंगे किसका, तक्षशिला, तक्षशिला के बारे में दो तीन बात याद करनी है। पहली बात तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब जिसको बनाया गया। इसके बाद में तक्षशिला जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर था ब्रह्मकालीन एजुकेशन के लिए, किसके लिए, ब्रह्मनिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तक्षशिला जो है फेमस भी थी किसके लिए, मेडिकल स्टडी के लिए, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे बेसिकली क्या था, देर वर नो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, एडमिशन जो है स्टूडेंट का होता था किसके ऊपर, एज पर द डिसीजन ऑफ द टीचर के ऊपर, क्योंकि कोई सिस्टम पहले से मेंटेन नहीं था। और जो मिनिमम एज थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की वो थी कितनी, 16 ईयर। इसके बाद में यहाँ पे कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था और ना ही कोई डिग्री या डिप्लोमा दिया जाता था। मेन ब्रांच आपको बता रखे, ये सब इसकी मेन ब्रांच थी जिसके बारे में आपको पढ़ाई करवाई थी। ये तक्षशिला जो है पॉपुलर ट्रेनिंग सेंटर था किसका, इंडियन मिलिट्री साइंस का, और यहां पे कोई भी नो कास्ट डिस्टिंक्शन, कोई भी कास्ट डिस्टिंक्शन बिल्कुल भी यहां पे नहीं थी। इसके बाद अगर बात करते हैं किसका, नालंदा का, तो ये नालंदा जो है वो यूनिवर्सिटी बनी कहां पे, बिहार के अंदर, बेसिकली इसको जो है वो बनाया गया, ठीक है। ये बुद्धिस्ट सेंटर था बेसिकली, इट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल मॉरल कंपेरेबल की जो है, या यूनिवर्सलिज्म की जो है वो क्या की गई, बात की गई। जो ह्यून सैंग थे, मैंने आपको लिखवाया था, ये चाइना का एक बुद्धिस्ट था जो बेसिकली इंडिया के अंदर आया, उसने यहाँ पे बौद्ध विद्या सीखी और लॉर्ड बुद्धा के बारे में ज्ञान इकट्ठा किया, और वो ज्ञान इकट्ठा करके और गया वो कहाँ पे, चाइना, और वहाँ पे जाके चाइनीज लैंग्वेज के अंदर लोगों को जो है उसने वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे जो मिनिमम एज क्राइटेरिया था वो था 20 ईयर, नालंदा के अंदर जो आपका एज क्राइटेरिया था वो था मिनिमम कितना आपका, 20 ईयर, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कितना था आपका, यहाँ पे एज लिमिट था 20 ईयर फॉर द एडमिशन इन टू द यूनिवर्सिटी। इसके बाद में जो यूनिवर्सिटी का इंचार्ज था उसको बोलते हैं द्वार पांडी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में अगली आई कौन सी, वल्लभी, वल्लभी की अगर बात करते हैं तो ह्यून सैंग की, अगर हम, मैंने यहां पे बोला भी है, ह्यून सैंग जो है उसने वल्लभी को भी जो है वो वेस्टर्न साइड के अंदर पाया, ये भी एक इसके एक फेमस यूनिवर्सिटी के तौर पर उभर के आई। यहाँ पे ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, रिलीजियस एजुकेशन के अलावा यहाँ पे जो है वो क्या, इकोनॉमिक्स, लॉ और चिकित्सा शास्त्र, तो मेडिसिन के बारे में भी जो है वो पढ़ाई करवाई जाती थी। इसके बाद में थी आपकी जी विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली धर्मपाला जो पाल डायनेस्टी के अंदर जो किंग थे तो उनकी वजह से जो ये बनी थी, मगध के अंदर इसको बनाया गया था एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, तो उसके पास इसको बनाया गया। यहाँ पे रिलीजियस टीचिंग जो है वो बेसिकली करवाई जाती थी, ठीक है, और जो इसका सेंट्रल बिल्डिंग थी उसको हम क्या बोलते थे, विज्ञान भवन बोलते थे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो विक्रमशिला से आपका बना विज्ञान भवन। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट थे वो थे आपका व्याकरण, लॉजिक, फिलोसफी, तंत्रशास्त्र और कौन सा, कर्मकांड, ठीक है। इसके बाद में आया कुछ उदंतपुरी, तो ये यहाँ पे जो है वो तिब्बत के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते थे पढ़ाई करने के लिए। फिर जगादला, ये था आपका राजा रामपाल ने जो है इसको बनाने का काम किया था। फिर मिथिला, उसके बाद नाडिया, फिर था उज्जैन, उज्जैन को थोड़ा सा याद करके जाना। उज्जैन जो है वो फेमस है फॉर सेक्युलर लर्निंग इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए। और फिर था आपका सल्तोगी, और फिर था ये कौन सा, इनायराम, इनायराम जो है वो फ्री एजुकेशन या फ्री बोर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते थे, और ये कहाँ पे थी आपका, तमिलनाडु में। इसके बाद की बात करता हूँ वो है फिर डिक्लाइनिंग ऑफ द एंशियंट एजुकेशन। अब एंशियंट एजुकेशन का क्या हुआ, डिक्लाइनिंग फेज जो है वो स्टार्ट किया, तो जब विद द इन्वर्जन ऑफ द मुस्लिम कंक्वेस्ट, जब कुछ मोमडम से है वो जो मुस्लिम जो राजा थे जो जीत के आए, उन्होंने इंडिया के ऊपर धावा बोला, हिंदुस्तान पर धावा बोलने के बाद में जब वो जीते तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मंदिर और मस्जिद को तोड़ना स्टार्ट किया और उनको कन्वर्ट करना शुरू किया, किसके अंदर, मॉस्क्यू के अंदर, किसमें, जो जहाँ पे वो बेसिकली जो है वो इस्लाम की जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन ये खास बात थी कि उस टाइम पे जब एंशियंट एजुकेशन आपकी डाउन जा रही थी तो वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, तो वोकेशन सिस्टम जो था एजुकेशन का बहुत सारे नए क्राफ्ट और स्किल जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाएगी विद द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम। इसके बाद मुस्लिम रूलर जो रूलर थे
उन्होंने अर्बन एजुकेशन देना शुरू किया, ठीक है, जहां पे उन्होंने पहले प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है वो मकताब से है वो ओपन करे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या प्राइमरी स्कूल, ठीक है। उसके बाद जहां पे बेसिकली क्या पढ़ाई करवाई जाती है, जहां पे रीडिंग राइटिंग और बेसिक इस्लामिक जो प्रेयर्स हैं वो सिखाई जाती थी। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल के लिए जो है वो मदरसे जो है ओपन किए गए, जहां पे लोगों को टीच और ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। यहां पे भी कास्ट का कोई बैरियर नहीं था, लेकिन एजुकेशन के अंदर जो है वो जेंडर के बेस पर डिस्पैरिटी थी, क्योंकि जो लेडीज थी तो उनको यहां पे अलाउड नहीं था, ठीक है। ये था जी आपका डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट एजुकेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। एंशियंट एजुकेशन में जनरली आपको इतना ही पढ़ के जाना है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। तो स्टार्टिंग जो है वो शुरुआत हुई थी कहाँ से आपका एंशियंट एजुकेशन की, वो कहाँ से आपका वैदिक जो एजुकेशन, उसके बाद में फिर आया कौन सा आपका वैदिक, के बाद में आपका बुद्धिस्ट, और फिर आपका डिक्लाइनिंग हो गया। तो डिक्लाइनिंग हुआ विद द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम जो कंकीर्स है, तो उनकी वजह से भी डिक्लाइनिंग हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर आता है जी आपका इवोल्यूशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड द रिसर्च। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको लिखवाई थी, वो साथ में खोल के बैठेंगे। सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं कि इसका हायर लर्निंग का, तो अपने इंडिया के अंदर जो है वो अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने इंडिया के अंदर आई, तो उसने सबसे पहले 1813 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो चार्टर एक्ट को पास किया, जिसके अंदर मेन फोकस दिया गया किसके ऊपर, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर। बेसिकली क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वेस्टर्न कंट्री से आई थी, और उसका जो मेन फोकस था वो ये था कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे, और व्यापार जब करेंगे तो हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमको उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ के लोगों को ट्रेन करना है। तो यहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए बेसिकली उन्होंने जो है वो क्या किया, एक चार्टर एक्ट पास किया, जिसका मेन जो पर्पज था वो था साइंटिफिक नॉलेज को जो है वो क्या करना, स्प्रेड करना। इसके बाद फिर 1817 के अंदर जो है पहला हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता जो है वो क्या किया गया, ओपन किया गया। फिर 1823 के अंदर जो है एल्फिस्टन जो है वो रिपोर्ट आई, जिसके बेस पर 1835 के अंदर जो है एल्फिस्टन कॉलेज जो है वो खोला गया था, ठीक है। इसने रिकमेंड किया कि अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर ऑफिसर एंड स्कूल सुपरवाइजर, जो सजेस्ट किया ट्रेनिंग फॉर द टीचर के लिए। इसके बाद में आया जी आपका मैकलेमिनट्स जो है वो आए, इसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश को इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसने जो है वो रिमूव किया एज रिलेटेड बायसनेस को, और यहाँ पे एक बात आई थी ये इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो बेसिकली अंग्रेज जो थे उनका मेन जो मोटिव था वो ये था कि हम लोगों को जो है वो क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, जो देखने में और जो है वो तो हो इंडियन, लेकिन काम से जो है वो क्या हो, फॉरनर हो। तो इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में आपको लिखा था दे विश टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियन हु वर इंडियन इन द कलर एंड द ब्लड बट इंग्लिश इन द टेस्ट एंड द एफिलिएशन, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका जो है वो वुड्स डिस्पैच है, जिसके अंदर चार्ल्स वुड्स जो है तो उन्होंने इसको जो है वो स्टार्ट किया। ये फर्स्ट पॉलिसी मेजर था रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ यूनिवर्सिटीज को जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये मैग्ना कार्टा आया किसका, इंग्लिश एजुकेशन का, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश एजुकेशन के स्टार्ट के लिए तो मैकलेमिनट जो है वो आ गया था, लेकिन बाद में वुड्स डिस्पैच के अंदर जो है उसको बोला गया क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जहां पे इंग्लिश एजुकेशन को जो है करिकुलम के अंदर इंक्लूड करवा दिया था, ठीक है जी। और यहाँ पे वो पंजाब यूनिवर्सिटी खुली 1882 में, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 के अंदर, ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हंटर कमीशन, इसको बोलते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जिसने फ्रेगमेंट किया इंडियन एजुकेशन को दो पार्ट में, एक है प्राइमरी और एक कौन सा, हायर एजुकेशन। इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो प्रोपाउंड किया, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो है वो मेजर बताया किसके, सिलेक्टिव मेजर बताया किसके, इंप्रूवमेंट करने के, ठीक है। तो हायर एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए। इसके बाद में फिर आपका जो आपको मेन वैसे मैंने आपको सारा पढ़ाया था, आपको मेन जो याद करना है। फिर रिजोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी 1960 के अंदर जो है वो रिजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आया, जिस और 1960 में बनारस और मैसूर में और पटना में, 1917 में और हैदराबाद में 1918 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। फिर है कैलिकट यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1917 में आया, इसको सैडलर कमीशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉब्लम ऑफ द हायर एजुकेशन रिलेटेड टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो उसको उसने सुधार के लिए बेसिकली सेटलर कमीशन को जो है वो क्या किया गया, बनाया गया था। और इसने मेजर किए किसके, इसने उपाय बताए थे किसके, वुमेन एजुकेशन के, ध्यान देना पड़ेगा। इट वॉज प्रीकर्सर टू द 10+2+3 सिस्टम, इसने जो है उसका शुरुआत किया। सेटलर कमीशन के अंदर ही जो है वो केब को शुरू किया गया था 1920 के अंदर। केब बेसिकली क्या है, इट इज अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। केब को जो है वो क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, लेकिन 1923 के अंदर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद में फिर आया जी आपका हरतोक कमेटी। हरतोक कमेटी जब आई तो इसने दोबारा से जो है वो केब को
1935 के अंदर जो वो क्या किया, स्टार्ट करवाया। तो उसके बाद में आया ये आपका सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी बैठी बेसिकली यूपी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ से बच्चे पास तो हो रहे थे, डिग्री तो लेके जा रहे थे, लेकिन वो जो है वो रियल लाइफ के अंदर काम, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो वहाँ पे सुधार करने के लिए बेसिकली जो है वो सप्रू कमेटी आई। इट इज़ सेटअप बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर एग्जामिन द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को एग्जामिन करने के लिए जो है वो सप्रू कमेटी आई थी। इसके बाद है जी आपका एबॉटवुड रिपोर्ट। तो देश के अंदर जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं उनको और एग्रीकल्चर स्कूल जो है इनको एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो एबॉटवुड रिपोर्ट आई। फिर जाकिर हुसैन कमेटी आई। तो ये थी, इसको बोलते हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर जो है वो कुछ बात बोली गई और यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो कमेटी थी इसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, ये दी आपका फिलोसफी ऑफ द गांधी जी, जिसके अंदर नई तालीम करके जो है वो स्टार्टिंग किया गया, ठीक है। और जो पढ़ाई करवाएंगे वो भी मदर टंग के अंदर होगा ये सब। फिर आई आपकी सर्जेंट रिपोर्ट, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, केब रिपोर्ट। केब रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो आई। इसने जो है रिकमेंडेशन दिया किसका, टीचर ट्रेनिंग के लिए एंड स्कॉलरशिप फॉर द नीडी इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद में देश आज़ाद हुआ और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर जो है वो आपकी कुछ कमेटी जो है वो कमेटी की रिपोर्ट आई। सबसे पहली कमेटी की ये पेपर में याद करके जाना पड़ेगा, यहाँ पे चार बातें लगातार हैं, ठीक है। सबसे पहली कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो थी कौन सी, राधाकृष्ण कमेटी। 1948-49 के अंदर इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया। इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया जिसके अंदर इसने बोला कि यूजीसी को एस्टेब्लिश किया जाए। इसने रिकमेंड किया यूथ ऑफ द सिलेक्टिव प्रोसीजर सीलिंग नंबर, मतलब जब आप जो है वो क्या करेंगे फैकल्टी को कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, अगर आप फैकल्टी को क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं किसी कहीं भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रोसीजर सारा का सारा बताया किसने, राधाकृष्ण कमेटी ने। इसके बाद मेजर जो इसका एम्फेसिस था वो था हायर एजुकेशन पे, लेकिन इसने स्कूल एजुकेशन को भी साथ में क्या किया, टच किया। इन्होंने रिकमेंड किया सेटअप ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी, रूरल यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने क्या किया उसको बोला था, और इन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी क्या किया, एनकरेज किया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आया आपका मुदालियर कमीशन। पहले नंबर पे राधाकृष्ण, दूसरे पे कौन सा, मुदालियर। मुदालियर कमीशन जो है 1952-53 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। ये एक सेपरेट कमीशन था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 1952 में फॉर द स्कूल एजुकेशन के लिए बेसिकली आया था। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। ये एक इसने रिकमेंड किया मल्टीपर्पज स्कूल होने चाहिए, 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर सेकेंडरी सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद में फिर चौथे नंबर पर जो आया वो था आपका कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं संपूर्णानंद कमेटी। कौन सी, संपूर्णानंद। तो चौथे नंबर पे थी आपकी कौन सी, संपूर्णानंद कमेटी। इसके बाद तीसरे नंबर पे थी कोठारी। तो कोठारी मतलब मुदालियर कमीशन के बाद में कोठारी बैठा, और कोठारी के बाद में आई कौन सी आपकी, संपूर्णानंद कमेटी। तो संपूर्णानंद कमेटी के अंदर तो बेसिकली जो है वो चर्चा की गई किसके, रीऑर्गेनाइज करेंगे किसको, करिकुलम को। इससे पहले जो है वो आई थी कौन सी आपकी, कोठारी कमीशन। अगर बात करूँ कोठारी कमीशन का, तो कोठारी कमीशन जो है वो बेसिकली क्या था, 1964-66 के अंदर जो है कोठारी कमीशन को जो बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया। इसका जो चार मेन थीम थे जो आपको याद करके जाना पड़ेगा, पहला आपको मैं लिखवाया था क्या, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। दूसरा था प्रमोटिंग सोशल एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। तीसरा था एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। और चौथा था डेवलपिंग द सोशल मोरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यू। और इसने जो है बेसिकली क्या एस्टेब्लिश किया था हमने यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सर्विस को, जिसको लाया गया टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द इंडियन हायर एजुकेशन। इसने रिकमेंड किया कि 6% कम से कम, किसने, कोठारी ने, कि टोटल इनकम का, मतलब टोटल नेशनल इनकम का कम से कम 6% खर्च करना चाहिए उनका किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद में इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो उसको भी क्या किया, इंक्लूड किया। इसके बाद और कमेटी आई जो आपको याद करनी है, मेन फिट 1976 के अंदर बेसिकली एजुकेशन, जिसको पहले किस लिस्ट में डाला गया था, स्टेट लिस्ट में, ठीक है, अब उसको डाल दिया कंकरेंट में। पहले एजुकेशन के ऊपर सारे मुद्दे के ऊपर कानून बनाने का राइट जो था वो था ओनली किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में कंकरेंट लिस्ट में अमेंडमेंट किया गया, एंट्री नंबर 25 डाली गई। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके अंदर अब इसको जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये है अब एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी, बनाएगी। इसके बाद में अगर हम आगे का बात करते हैं, तो फिर आया आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। 1986 के अंदर जो है वो आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई। इससे पहले 1968 के अंदर पहली पॉलिसी आई थी, ये आप ध्यान रखना, 1968 के अंदर आपकी पहली पॉलिसी है जिसको बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कोठारी कमीशन के जस्ट बाद, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी जिसका मेन जो एम्फेसिस था वो था रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपको ध्यान करना पड़ेगा, ये इट इज बेस्ड ऑन द कोठारी कमीशन। जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1968 में आई वो बेस्ड थी कोठारी कमीशन पे। फिर जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई वो थी आपकी, वो आई 1986 में, 68 का उल्टा 86 हो गया। तो 1986 के अंदर बेसिकली जो है वो सेकंड आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, ठीक है। और
ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी जो 1986 के अंदर आपने इसको जो है वो क्या किया, लेके आए थे, तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर था, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ द एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ऑफ एज एंड इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। इसमें जो टैग लाइन थी इसकी 1986 की पॉलिसी की वो क्या थी, चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी परस्पेक्टिव। इसके बाद फिर जो 1986 की जो आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी इसके बेस पर फिर एक एक्शन प्लान बनाया गया 1992 के अंदर। तो 1992 के अंदर जो है वो क्या किया गया, नेशनल एडवाइजरी कमेटी लर्निंग सॉरी ये आपका था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब कमेटी ऑन डिस्टेंस एजुकेशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये था प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो 1992 आया। तो 1986 की जो पॉलिसी थी और 1992 के अंदर जो है इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। तो मतलब 1986 वाली पॉलिसी को यहाँ पे क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। इसने बताया था कि स्टेट टू लेजिस्लेट क्रिएशन ऑफ द कॉलेज आफ्टर द UGC अप्रूवल, मतलब स्टेट जो है वो कॉलेज जो है उनका एफिलिएट कर सकते हैं UGC अप्रूवल के बाद में। इसका जो मेन एम्फेसिस था वो किसके ऊपर था, ऑफ NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के ऊपर एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एम्फेसिस किया दैट एजुकेशन मस्ट प्ले ए पॉजिटिव रोल, कि एजुकेशन एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी इन करेक्टिंग सोशल एंड द रीजनल इंबैलेंस एम्पावरिंग द वुमेन। इसके बाद में फिर घनन कमेटी आई थी 1993 के अंदर, घनन कमेटी आई और इसके अंदर बेसिकली जो बात की गई डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर, इसने जो है वो क्या किया थोड़ा सा चेक लगाया और डीम्ड यूनिवर्सिटी को जो पहले स्टेटस दबा दब दिया जा रहा था उसको उसके ऊपर रोक लगी। फिर एम्फेसिस दिया गया टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए घनन कमेटी जो है घनम कमेटी जो है वो बेसिकली आई और इसने एंकरेज किया रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, द जनरल मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द ग्रेड। और यहीं पे ये घनम कमेटी के अंदर जो है जो मार्क्स सिस्टम था उसकी जगह पे जो है वो रिप्लेस कर दिया उसको किससे, ग्रेड सिस्टम से। इसके बाद में फिर आपका 2007 के अंदर जो मेन याद करना है वो है आपकी कौन सी, सैम पित्रोदा कमेटी 2007 में इसको रिपोर्ट जो पब्लिश सबमिट किया गया 2009 के अंदर, इसको बोलते हैं नेशनल कॉलेज कमीशन, ठीक है। इसका जो एम था वो क्या था कि हम रिकमेंड करेंगे द फ्रेमवर्क फॉर द क्वालिटी एक्सेस एंड द इक्विटी इन द हायर एजुकेशन। ये इसने राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या किया, प्रोवाइड किया राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के को जो है वो फ्री स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 80 ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, तो मैंने लिखवाया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो पास किया गया। इसके बाद में फिर आपका है जी जो आपको याद करना है, वैसे तो सारे याद करने हैं। फिर आपका 2009 के अंदर शर्मा कमेटी आई जिसमें रिसर्च को दोबारा से जो है वो क्या किया, रिजुविनेट किया। इसके बाद टंडन कमेटी के अंदर को स्टेटस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया। फिर उसके बाद में 2011 में केबी पवार कमेटी बैठी थी, तो इसने जो है वो PPP मॉडल दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। इसके बाद फिर 2015 के अंदर सुब्रमण्यम कमेटी थी ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस के ऊपर, बेसिकली जो है ये कमेटी आई। और फिर 2017 के अंदर एक कमेटी एस्टेब्लिश हुई जिसको बोलते हैं कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसने 2019 के अंदर अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे कस्तूरी रंजन, ठीक है। तो उसके ऊपर उनका जो मेन फोकस था वो था अर्ली चाइल्डहुड केयर पे, करंट एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे और फोकस करेंगे टीचर ट्रेनिंग के ऊपर, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। प्रपोज किया कि सेटअप किया जाए नेहरा नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको सेटअप किया जाए और मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया जाए किसके अंदर, एजुकेशन में। इंक्रीज द फोकस ऑन द वोकेशनल कोर्स जो है उनका, उन पर भी फोकस किया जाए ताकि 9वीं से 12वीं के स्टेटस के अंदर उसी स्टैंडर्ड के अंदर जो है बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाए। ये था जी आपका प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जिसकी बात करेंगे हम लोग, क्या ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, ओरिएंटल का, ठीक है, जिसको जनरली हम यहाँ पे जो है वो बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स, मतलब परंपरागत या फिर एंशियंट जो एजुकेशन सिस्टम था, तो उसके अंदर जो आपको पढ़ाई करवाई जाती थी वो ओरली थी और उसके अंदर जो है वो बेसिक जो प्रोसेस था पढ़ाई करवाने का, तो 3 बेसिक प्रोसेस थे। सबसे पहले था आपका कौन सा, श्रवणा, जिसके अंदर जो है वो क्या, सुन करके हम लोग जो नॉलेज को एक्वायर करते थे। श्रवणा स्टेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ श्रुति बाय लिसनिंग, ठीक है। फिर मनना, इसके अंदर बेसिकली हम क्या कि सोच करके लोग जो है अपना सोच विचार करके जो है क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा नॉलेज गेन करते थे। और फिर था निध्यासना, इसके अंदर हम कॉम्प्रीहेंड करते थे ट्रूथ और अप्लाई करते थे, यूज करते थे इट इनटू द रियल लाइफ। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन के अंदर जो है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा किया जाता, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मैटर ए लोड इन द ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ ऑर्थोडॉक्स के बाद में, फिर आया अपना कौन सा कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बोले तो वो क्लासरूम वाला जो एजुकेशन था। दीज आर द ट्रेडिशनल प्रोग्राम सच एज द रेगुलर डिग्री डिप्लोमा
कोर्सेज के अंदर जो वो क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। कन्वेंशनल लर्निंग इन्वॉल्व द लर्निंग इनसाइड ए क्लासरूम सेटअप। इसके अंदर बेसिकली कन्वेंशनल लर्निंग को बोलते हैं, जो क्लासरूम के अंदर जो आपकी लर्निंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वेंशनल लर्निंग। इसके बाद जो है वो आया कौन सा, नॉन कन्वेंशनल, जिसके अंदर बेसिकली हम जो है वो क्या, टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉन कन्वेंशनल। फिर है जी आपका फॉर्मल, और एक कौन सा, डिस्टेंस एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन होती है जो क्लासरूम के अंदर होती है, जो रेगुलर एजुकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल, जिसके अंदर बेसिकली क्लासरूम टीचिंग को जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट का और किसका, टीचर का। इट कैन बी टीचर सेंटर्ड और द स्टूडेंट सेंटर्ड, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेक्निक के ऊपर, स्ट्रेटजी एंड द एड यूज बाय द टीचर। अच्छा जी, यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली क्या, फॉर द फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट को विजिट करना पड़ेगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवरी डे फॉर ए क्लास। फॉर्मल सिस्टम जो है वो 14 से 16 साल की आपकी स्कूलिंग चलेगी, प्री नर्सरी से 12th क्लास तक। स्टूडेंट कैन एनरोल इन द डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज फॉर देयर चॉइस, उसके बाद में एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग द स्टूडेंट कैन एनरोल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, वेयर उसके बाद में फिर वो एमफिल और पीएचडी एनरोलमेंट करवा सकता है। इसके बाद फिर आया जी आपका डिस्टेंस एजुकेशन, जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ाई कर सकते तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक तो आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग के अंदर, और स्टूडेंट हैव टू एनरोल फॉर ए कोर्स एंड दे विल बी प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। दे कैन कवर द स्टडी मटेरियल एट देयर ओन स्पीड, वो जो है वो स्टडी मटेरियल को अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जब घर पे बैठे क्लासरूम के अंदर तो ये दिक्कत होती है कि आपको औरों के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, आपकी स्पीड औरों के साथ मैच करनी पड़ेगी, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में आप अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये था। इसके बाद में आता है जी आपका स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन, तो इसको जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है पॉलिसी मेकिंग कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, और एक्रेडिटेशन का काम किसको दिया। तो सबसे पहले बात करूँगा पॉलिसी मेकिंग, तो हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी मेकिंग के लिए जो है पॉलिसी फॉर्मेट करने का जिम्मा दो लोगों को दिया गया, एक है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक कौन सा, स्टेट। पहले उन्होंने स्टेट के पास में था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के, जब एजुकेशन को कंकरेंट कैटेगरी में डाल दिया तो अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भी क्या करेगी, इसके बारे में जो है वो पॉलिसी फॉर्मेट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट करती है नेशनल पॉलिसी ऑन द एजुकेशन, ठीक है, और इसका जो बोर्ड है वो है कौन सा, जो इसका जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर मिनिस्ट्री वो कौन सी है, MHRD, जिसका नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर है जी आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी काम करती है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्कूल एंड द हायर एजुकेशन, स्टेट काउंसिल एंड द एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए इन द स्टेट में, जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट अपेक्स बॉडी एंड द यूनिवर्सिटी। फिर जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं उनको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडी बनी है, सबसे पहले नंबर पर आपका UGC। अर्लियर UGC को 1945 के अंदर जो है वो क्या किया, एस्टेब्लिश किया गया था तीन यूनिवर्सिटी का काम संभालने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन 1947 के अंदर सभी यूनिवर्सिटी के काम को संभालने का जिम्मा जो है इसको सौंप दिया गया। फिर 1953 के अंदर जो है इसको प्रॉपरली सेटअप किया गया, और फिर 1956 में UGC का एक्ट पास करके इसको एक स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया। अब ना कई बार आता है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, एक होती है स्टैचुरी बॉडी जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट आपने बनाया गया है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्टैचुरी बॉडी, ध्यान रखना इस बात को। मेन फंक्शन जो है इसके वो है सबसे पहले नंबर पे क्या, ये कोऑर्डिनेट करता है, डिटरमाइन करता है और मेंटेन करता है स्टैंडर्ड अक्रॉस द यूनिवर्सिटी। UGC जो है वो पैसा भी जो है वो या ग्रांट जो है उसको डिस्बर्स करने का काम करता है। UGC खुद से किसी यूनिवर्सिटी को जो है वो डीरिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि किस यूनिवर्सिटी को चलाना चाहिए और किसको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में है जी आपका जो इसका मेन ऑफिस है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये पहले बहुत सारे एग्जाम भी करवाता था, लेकिन अब एग्जाम करवाने का ऐसा जिम्मा जो है वो थोप दिया किसको, NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे अगला यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा के बारे में, तो टोटल मिला के यूनिवर्सिटी जो है वो 892 नहीं है, नया गाइडलाइंस जो है वो 4/8/2020 को UGC ने जो है वो नई लिस्ट को जारी किया, जिसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई 53, स्टेट यूनिवर्सिटी है 412, डीम्ड हो गई है 124, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 361, तो टोटल मिला के 950 टोटल जो है वो कितनी, 950 यूनिवर्सिटीज जो है वो आज की डेट में है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके बाद है जी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करेंगे तो ये स्टेट एक्ट के अंडर बनती है। फिर है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एमिनेंस नेचर का है तो उसको गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी का ओहदा देती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दे सकती, स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज का एफिलिएशन दे सकती है, मतलब उनके ऑफ कैंपस भी हो सकते हैं,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी ऑफ कैंपस हो सकते हैं, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के कोई भी ऑफ कैंपस नहीं होगा। फिर एक होती है अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अपने इंडिया के अंदर इसका जो अब रोल है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने इंडिया में खुल गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है जिसको प्राइवेट लोग जो है वो बनवाएंगे, ये यूजीसी के बाद में आपकी रजिस्टर्ड की जाएगी इसको। एंड ये यूनिवर्सिटी जो है कैन नॉट एफिलिएट कॉलेज, ये भी अपने कॉलेज का एफिलिएशन नहीं दे सकते, एंड कैन नॉट हैव द ऑफ कैंपस इंस्टीट्यूट। फिर है जी आपका मेटा यूनिवर्सिटी। 12 फाइव ईयर प्लान के अंदर मेटा यूनिवर्सिटी के बारे में जो है वो इसको भी इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर ये बोला गया कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो फ्री एंड फिजिकल बाउंड्री से क्या हो, एकदम फ्री हो, ठीक है। इसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी इन द डिजिटल स्पेस। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको बनाने के पीछे का मेन मोटिव जो था वो था शेयर द लर्निंग रिसोर्सेज, जो हमारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको आपस में क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए हमने मेटा यूनिवर्सिटी को जो है वो स्टार्ट किया। इसको सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ध्यान देना इस बात के ऊपर, ठीक है। फिर है जी आपका AICTE। AICTE जो है 1945 के अंदर इसको क्या किया गया, बनाया गया था, इसके बारे में आगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस एक बार ये पढ़ें। AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर सबसे अपेक्स बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी जो है वो कौन सा आपका AICTE। फिर आपका CSIR जो है 1942 के अंदर बना था, इसका जो मेन काम है, इसका फुल फॉर्म क्या, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अपने जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए सबसे अपेक्स जो बॉडी है वो है कौन सा इंडिया के अंदर, CSIR। फिर है जी आपका आयकर, 1926 के अंदर इसको बनाया गया था। ये जो है वो क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर जो है वो बनी हुई है कौन सी, आयकर, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद है जी आपकी ICMR, जिसके अंदर बेसिकली ये है इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च। तो बायोमेडिकल रिसर्च के लिए ICMR है, बायोमेडिकल रिसर्च की अगर बात आए तो बायोमेडिकल रिसर्च के लिए जो अपेक्स बॉडी है वो कौन सी है, ICMR। फिर ICSSR, ये है कौन सा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। तो ये है बेसिकली किसके लिए, सोशल साइंस रिसर्च के लिए, ठीक है। फिर आपका MCI की बात करें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको 1933 के अंदर बनाया गया, लेकिन अभी लेटेस्ट है वो ये कि 2019 के अंदर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इसका काम जो है वो मेडिकल, नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो संभाल लिया है। तो आज के डेट में MCI जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर आपका NCTE, अगर बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका मेन काम जो है वो टीचर को क्या करने के लिए, एजुकेट करने के लिए जो है वो बेसिकली इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया। फिर आपका DCI, डेंटल काउंसिल फॉर एजुकेशन, इसके लिए अब रिकमेंडेशन आई है 2020 में कि इसको क्या करो, बंद करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे धांधली हो रही है। तो 1948 में इसको बनाया गया था डेंटल काउंसिल्स के लिए। फिर आपका PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसके लिए फार्मेसी एक्ट 1948 जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, उसके अंदर इसको बनाया गया। तो ये बेसिकली क्या करती है, मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि जो आपके फार्मेसिस्ट हैं तो उनके जो है उनके कम से कम मिनिमम जो है वो कितनी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, ये सब। फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है बेसिकली 1947 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश किया था, और इसके अंदर जो सारे कोड ऑफ कंडक्ट और एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई गई किसके लिए, नर्सिस के लिए। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 पास किया गया, जो आपको फ्रेमवर्क बताएगा कि एडवोकेसी के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उन सब के बारे में। फिर आपका CCH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो है इसको 1973 में एस्टेब्लिश किया। फिर कुछ और बॉडी हैं जो बेसिक सी हैं, ज़्यादा इसके अंदर याद करने वाला नहीं था, तो इनके हेडक्वार्टर फिर यहाँ पे दे रखे हैं, देख लीजिएगा। अब मेन है जी ये एक्रीडिशन की अगर हम बात करते हैं, तो मान्यता कौन देगा, तो मान्यता के लिए बेसिकली अपने यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने इंस्टीट्यूट जो है वो कुछ बनाए हैं, तीन ही है वैसे तो। सबसे पहले तो है जी NAC, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है तो यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देने के लिए, उनको एक्रीडिशन के लिए जो है वो बनाया आपका NAC। एक है आपका NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन, ये बनाया किसके लिए, टेक्निकल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनकी रैंकिंग के लिए या उनको एक्रीडिशन देने के लिए NBA बनाया। NAC के अंदर बेसिकली NAC का फुल फॉर्म पहले तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, ठीक है। NAC को 1994 के अंदर एस्टेब्लिश किया था क्वालिटी एजुकेशन के लिए, बेसिकली इसको जो है हम लेके आए थे। इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि 7 फैक्टर के बेस पर जो है किसी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्या की जाएगी, रैंकिंग की जाएगी, ठीक है। तो NAC की एक टीम जो है वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आएगी और वहां पे आके जो है वो बेसिकली क्या करेगी, ये इन 7 पैरामीटर के बेस पर जो है आपकी यूनिवर्सिटी को या आपके कॉलेज को जो है वो क्या देंगे, रैंकिंग देंगे। तो NAC जो है वो इवेल्यूएट करते हैं किस किस को, ये सेंटर, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इन सबको जो है वो क्या करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं। इसके बाद है NBA, बोलते नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, 1994 के अंदर इसको बनाया गया टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, बेसिकली इसको जो है हमने क्या किया था, बनाया था। NBA जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। NBA जो है वो क्या कर, वो देखो NAC में तो पहले NAC के जो बंदे वो आप आएंगे इन 7 पैरामीटर के बेस पर खुद रैंकिंग करेंगे, लेकिन NBA के अंदर जो है NBA ये बोलता है इंस्टीट्यूट को, जो भी
यूनिवर्सिटी है उसको बोलते हैं कि तुम अपने हिसाब से जो है वो पहले क्या करो, एक रिपोर्ट तैयार करो, उसके बाद फिर एनबीए से कुछ लोग जाएंगे और वो जाके वहां पे उन सारे पैरामीटर्स की क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो एनबीए जो है वो क्या, एक्रेडिटेशन का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट होता है विद सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के साथ में, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट हैव टू रिपोर्ट, इंस्टीट्यूट को खुद को रिपोर्ट करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजन, मिशन, प्रोग्राम, एजुकेशन ऑब्जेक्टिविटी, इन सबके बेस पर उसको जो है वो बताना पड़ता है, और उसके बेस पर फिर एनबीए जो है वो क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद है एक्रेडिटेशन बोर्ड, ये है बेसिकली एग्रीकल्चर, जो भी आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं तो उनका एक्रेडिटेशन जो है वो करता है कौन, आपका एक्रेडिटेशनल बोर्ड। इसके बाद मैं केब के बारे में तो बताया था कि सबसे पहले 1920 में शुरू किया, फिर 1923 में बंद कर दिया, फिर 1935 में दोबारा इसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये जो है वो ओल्डेस्ट और क्रूशियल एडवाइजरी बॉडी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मेन काम जो है वो हायर एजुकेशन के बारे में जो है वो क्या देना है, रिकमेंडेशन देना है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा फिर आया जी आपका ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट आपको जो है वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के बताया था कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन दो अलग अलग चीज़ है, तो ये है क्या, देखो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आपका ओपन लर्निंग और एक है कौन सा, डिस्टेंस एजुकेशन। ओपन लर्निंग की अगर हम बात करेंगे वो एक फिलोसफी है, एक जनरल बात है ओपन लर्निंग, लेकिन ओपन लर्निंग प्रोवाइड जो करवाई जाती है वो उसको करवाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आप लोग के डिस्टेंस एजुकेशन। तो बोलते हैं ओपन लर्निंग इज अ फिलोसफी वेयर डिस्टेंस एजुकेशन इज अ मोड यूज फॉर ट्रांसलेट it into reality as the two are complementary to each other। इसके बाद में अगर बात करेंगे हम किसका, डिस्टेंस एजुकेशन का, तो इसको अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती है। अगर हम बात करेंगे अपने इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ वो आपको मैंने सारा लिखवा दिया था। मेन आपको जो पढ़ना है वो है ये कि 1986 के अंदर जो है वो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी तो उसके अंदर इसको प्रोमिनियंस पोजीशन दिया गया। ध्यान से सुनना एक बार, द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 गेव प्रोमिनियंस टू द ओयू सिस्टम, ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को जो है उनको प्रोमिनेंट प्लेस दिया गया, और उसके बेस पर अपने इंडिया में पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई 1982 में डॉक्टर बीआर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका ज्यादा नाम नहीं हुआ। और इसके जस्ट बाद 3 साल के बाद 1985 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश की गई किसको, इग्नू को, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश की गई, और इग्नू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप जो है जितनी भी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है तो उन सब के ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन बनेगी, इग्नू। तो इग्नू जो है 1985 के अंदर जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो ये दो काम कर रही थी क्या, एक तो एजुकेशन प्रोवाइड भी करवा रही थी ओपन एजुकेशन, और एक ये जो भी ओपन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी भी थी। इसके बाद ये इससे जो स्टेटस है वो 2019 के अंदर जो है वो ये वाला स्टेटस इससे जो है वो क्या कर लिया, अभी छीन लिया है। ठीक है, इसके बाद में है जी 2012 में, सॉरी ये आपको मैं लिखवाया था 2012 के अंदर, सब्सिक्वेंटली MHRD ने 2012 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें ट्रांसफर किया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम द इग्नू से किसको दे दिया, UGC को। तो अभी जो है वो UGC जो इसको क्या करती है, मैनेज करती है। तो इग्नू के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, ये आप रीडिंग कर लीजिएगा। 1985 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया, बहुत सारे नेशनल एमिनेंस के इंस्टीट्यूट भी इसके साथ में जो है वो क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर है जी आपका कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, ये इसने स्टार्ट करवाया। अब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, देखो रैंकिंग कर रहे हैं अपने यहां पे NBA, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, वो रैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक फ्रेमवर्क दिया, जो रूपरेखा दी है बेसिकली वो दी है किसने, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। तो NIRF बेसिकली जो है वो क्या है, एक रैंकिंग फ्रेमवर्क है, रैंकिंग नहीं है, ये रैंकिंग का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बताया गया कि आपको रैंकिंग किन पैरामीटर के ऊपर करनी है, किन पैरामीटर को बेस बना के करनी है, तो उसको बोलते हैं आपका NIRF। NIRF में दोबारा बोला NIRF तो आपको रैंकिंग का एक फ्रेमवर्क देगा कि आपको रैंकिंग जो है वो किन पैरामीटर के बेस पर करनी है, वो तो बताएगा आपको NIRF। लेकिन रैंकिंग जो करी है वो NBA ने करी है अभी रिसेंट के अंदर, तो आपको जो याद करना पड़ेगा ये NIRF जो है बेसिकली क्या, इट इज ये एक मेथडोलॉजी है टू रैंक द इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो कंट्री के अंदर जो आपके इंस्टीट्यूशन उनकी रैंकिंग के लिए जो है, अभी लेटेस्ट रैंकिंग भी आ गई है तो आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो रैंकिंग के लिए जो मेथडोलॉजी है वो दी है किसने, NIRF ने। और जो इसका जो रैंकिंग का एक स्केल है ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, द फॉलोइंग 5 पैरामीटर हैं, टीचिंग लर्निंग, इनकी वेटेज जो है वो 0.3 है मतलब 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%, ग्रेजुएशन आउटकम 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% और परसेप्शन कितना 10%, ये टोटल मिला के कितना हो गया 100%।
कितना हो गया 100%। इसके बेस पर जो है वो इंस्टीट्यूट की जो है वो क्या की जाएगी, अलग अलग इंस्टीट्यूट की रैंकिंग की जाएगी। तो अभी 2019 का रैंकिंग का आपको मैंने वैसे लिखवाई भी था, दिखा भी देता हूँ आपको दी 2020 वाला रैंकिंग वाला जो सिस्टम है सब क्या है। तो NBA ने इसकी जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एक्रेडिटेशन ने जो है वो इसकी क्या की है, रैंकिंग की है। और इसके अंदर कुछ कैटेगरी जो है वो 8 कैटेगरी जो है वो बनी है, जिसके अंदर टॉप पे कौन कौन सा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो 2020 का जो आपका ये सिस्टम आया था, इसमें ओवरऑल के अंदर जो है वो बेसिकली सबसे टॉप पे जो इंस्टीट्यूशन है जो आपको याद करके जाना है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इसको ये स्कोर मिला है। तो आपका ये स्कोर याद करना पड़ेगा। तो ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर मिला करके अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल के अंदर जो है वो टॉप इंस्टीट्यूशन जो है वो है आपका कौन सा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है, 85.31 स्कोर के साथ ये टॉप पे रहा। इसके बाद अब अगर हम मैं आगे की बात करता हूँ तो आगे बोलते हैं इंडियन रैंकिंग 2020 यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप जो है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगर बात करता हूँ कॉलेज का तो कॉलेज में मिरांडा हाउस सबसे टॉप पे है। अगर बात करता हूँ मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट में 2020 के अंदर सबसे टॉप पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, याद करना पड़ेगा। फार्मेसी के अंदर टॉप पे जो है वो है जामिया हमदर्द सबसे टॉप पे। मेडिकल के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ये सबसे टॉप पे है। आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर, ये सबसे टॉप पे जो है वो रहा है इस बार रैंकिंग में। लॉ के अंदर जो है वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन एजुकेशन बेंगलोर, ये जो है वो टॉप पे रहा। और इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास, ये सबसे टॉप पे रहा। तो ये रैंकिंग 2020 की हुई है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रैंकिंग जो है वो की है NBA ने, रैंकिंग करी है NBA ने, बट रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड किया उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं NIRF, बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, हाँ जी सर, लो जी ये हो गया जी आपका चैप्टर नंबर 3, ये रैंकिंग है। अब आएगा चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर पढ़ेंगे प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो जब इंडिया आज़ाद हुआ, फ्री इंडिया के अंदर जो है अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया एजुकेशन में वो किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पिछड़ा हुआ था। तो मेन एजुकेशन वाज थोरली रीऑर्गेनाइज अगेंस्ट स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग अबाउट ए टोटल रीजनरेशन। तो मेन जो फोकस था वो किसके ऊपर था, अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब उसको बेस रखते हुए बहुत सारे साइंस इंस्टीट्यूट, बहुत टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो वो इंडिया के अंदर क्या किए गए, ओपन किए गए। ओवरऑल मिलाकर के अगर बात करें डेमोग्राफी डिविडेंड एज वेल, इसका भी बेनिफिट अपने को मिला थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं मिल पाया। तो अपने यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अपने इंस्टीट्यूशन को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है, कुछ अपने प्रोफेशनल, कुछ अपने टेक्निकल, कुछ अपने कौन से स्किल बेस्ड। प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या, इसमें वो कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं डू नॉट प्रोवाइड, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है। और जैसे मेडिकल कोर्सेज हो गया, यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस है। फिर कुछ है अपने टेक्निकल एजुकेशन के, इसके अंदर बेसिकली क्या, जो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है अबाउट द मशीन इक्विपमेंट गैजेट्स के बारे में, जैसे ये एरोनॉटिकल हो गया ये सब। और कुछ है अपने स्किल बेस्ड एजुकेशन, जिसके अंदर बेसिकली जो स्किल को डेवलप करने के लिए जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। अब प्रोफेशन के अंदर जो है वो कुछ आपके ये प्रोफेशन की बॉडीज हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का जो सिनेरियो है वो क्या रहा, जो आपको याद करना पड़ेगा इन इंडिया, ध्यान से बोलते हैं, पहला फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अपने इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में खोला गया 1847 में फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर एट रुड़की। इसके बाद 3 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ओपन किए गए 1856 के अंदर इन 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। बंगाल जो लीडर था स्वदेशी मूवमेंट का, तो वहां भी कई सारे इंस्टीट्यूट खोले गए, लेकिन एक ही जो है वो चल रहा था, ओनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एट जादवपुर सर्वाइव। इसके बाद बहुत सारी टेक्निकल कोर्सेज को स्टार्ट किया गया इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस विद ग्रेट एफर्ट पुट बाय द पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके बाद मेनी अदर कोर्सेज were also started at the Bengal Engineering College at Shibpur in 1930 के अंदर स्टार्ट किया गया। नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो स्टार्ट हुए 1947, आजादी के बाद से स्टार्ट हुए। इट वॉज ड्यू टू द रियलाइजेशन डेट इंडिया हैज टू बिकम ए ग्रेट इंडस्ट्रियल कंट्री एंड वुड रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स डेट कुड बी सप्लाइड बाय द ओल्डर इंस्टीट्यूशन, जिसको वो सप्लाई नहीं करवा पा रहे थे। तो इसलिए बोला गया कि बहुत सारे अपने इंडिया के अंदर जो है वो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाले सेंटर को खोलना पड़ेगा। अब टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने में सबसे जो उसके ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी के नाम पर कौन सा, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका जो पेरेंट एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। और इसको नवंबर 1945 के अंदर क्या किया गया, इसको एस्टेब्लिश किया, और बाद में 1987 में इसका जो है वो एक्ट पास किया गया, और एक्ट पास करके इसको क्या बना दिया, सेंचुरी बॉडी बना दिया।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है जी आपका, न्यू दिल्ली में, और इसके 7 रीजनल ऑफिस हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, ये एक सेचुरी स्टेटस इसको जो मिला तो उसके बाद में AICTE अप्रूवल ग्रांट करता है फॉर स्टार्टिंग द न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, AICTE से। या फिर अगर मान लो आप कोई नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट तो है आपका लेकिन अगर आपको नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आप सीट्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है वो AICTE से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो AICTE जो है वो बेसिकली क्या, रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये सब, इन सब के लिए जो है वो AICTE जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में है काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर, नॉर्मल था। इसके बाद MHRD फंडेड इंस्टीट्यूशन 25 सितंबर 1985 को जो है ये इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। आपको एक बात इसके अंदर जो है वो जो ध्यान देनी पड़ेगी वो ये है कि अब कितने हैं, अब की अगर मैं बात करूं तो ये 122 जो है वो टोटल हो गए हैं। IIT जो है वो हो गए हैं अब आपके कितने, 23, जो ध्यान देना पड़ेगा आज के डेट में। IIT कितने, 23 है। IIMs जो है वो हो गए आपके कितने, 20। IISc तो एक ही है। ISCR हो गए हैं कितने, 7, ये सारे आगे आएंगे अभी। NIT जो है वो हो गए हैं कितने, 31, और IIIT जो है वो हो गए 25, ये कितने हो गए, 25 हो गए आपके, और NITRRR जो है ये हो गए आपके 4, और अदर्स जो है वो हो गए कितने, 11। तो टोटल मिला के सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जो MHRD के अंडर जो आते हैं, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन, वो हो गए कितने, 122। अब इसके अंदर कुछ हमारे IITs हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसके लिए, फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन रिसर्च के लिए। तो अपने कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो अपेक्स बॉडीज हैं, अपेक्स जो इंस्टीट्यूशन है वो है कौन सा, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद कुछ है अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट बॉडीज की मैनेजमेंट स्टडी जो है वो यहाँ पे बेसिकली पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए अपने ये है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये एक ही है इंडियन, जिसको JN टाटा की विजन के बेस पर जिसको क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। फिर हमारे कुछ NITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ हमारे IIITs हैं, ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, ये दीज आर स्पेसिफिकली सेटअप टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द IT सेक्टर। तो IT सेक्टर से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट बॉडी है वो है कौन सा आपका, IIITs। IIITs के बाद में फिर है आपके NITRRR, ये बेसिकली क्या, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए जो एक हमने जो रिसर्च एसोसिएशन खोली हुई है उसको बोलते हैं NITRRR। इसके बाद में रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वो क्या क्या गवर्नमेंट ने उठाया, तो स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो क्या करिए, स्टार्ट करिए, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बहुत सारे जो है एक्सटर्नली एडिड फंड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं किसको, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को, किसके लिए, पढ़ाई पढ़ाई के लिए। और अपने इंडिया के अंदर जो है वो वेरियस सेक्टर स्किल काउंसिल जो है एस्टेब्लिश किया गया, और अपने इंडिया के अंदर जो है वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए दो चीज़ें आई है, एक तो आई है जी आपका कम्युनिटी कॉलेजेस जो है वो ओपन किए गए, और एक है BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। और इंडिया में प्रोफेशनल इसको स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये भी क्या हुई है, आई है। इसके बाद अगर बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो उसके अंदर 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला एक तो है आपका हायर एजुकेशन, अपने इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम में एक तो अंडर ग्रेजुएट या बैचलर लेवल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, 3 साल का जनरली होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये 4 से 5 साल का भी है, ठीक है। तो ये कौन से, एक तो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जैसे BA BSc BCOM, और कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है इन द प्रोफेशनल सब्जेक्ट, तो ये होते हैं आपके लगभग 4 से 4.5 साल, जैसे इंजीनियरिंग हो गया ये सब। फिर कुछ आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये जनरली 2 साल के जो है वो कोर्सेज रहेंगे, इसके लिए ग्रेजुएशन का मस्ट है। फिर आपके कुछ डॉक्टरल स्टडीज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, ये आपके डॉक्टरल स्टडीज होती हैं, और कुछ आपके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम भी होते हैं। तो डिग्री प्रोग्राम के साथ में जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है उनको भी साथ में जो है वो अपने इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया है, ये हो गया। इसके बाद आखिरी जो आपका चैप्टर है वो है जी आपका वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगर बात करूंगा वैल्यू एजुकेशन का, तो देखो पहली बात तो वैल्यू क्या है, वैल्यू जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके बेस पर जो है वो क्या होता है, एक इंसान डिसीजन लेता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि वैल्यू एजुकेशन खत्म होती जा रही है। लोग एजुकेटेड तो हो रहे हैं लेकिन वैल्यू एजुकेशन उनमें जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। तो अपने इंडिया में जो लोगों के जो बेसिक मूल्य जो हैं, ठीक है, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसको प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। तो पहली बात तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब जो है वो बेसिकली क्या, तो बोलता है जी शुरुआत में कुछ ऐसा बोला, इंडिया का जो प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम है वो प्रिपेयर स्टूडेंट द गुड ग्रेड,
वो लोग बच्चों को प्रिपेयर करे अच्छे ग्रेड के लिए, अच्छी जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, बट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन द टीचिंग वैल्यूज एंड द मॉरल टू डील विद द रियल लाइफ सिचुएशन। लेकिन मॉरल के मॉरल्स को ये बेसिकली क्या हो गए, भूल चुके हैं। तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, आइडियल है, स्टैंडर्ड है, विच कैन बी यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट इन द डिसीजन मेकिंग। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहां पर बेसिकली वैल्यू काम करती है, क्योंकि वैल्यू आपको बताती है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है जी, अब अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर रोल ऑफ टीचर जो है उसका क्या है वैल्यू एजुकेशन में, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है। टीचर जो है बेसिकली वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करवाने वाला एजेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो बोला गया टीचर जो है वो फैसिलिटेटर भी है और एजेंट भी है। अगर कोई बच्चा अच्छी मान लीजिए अच्छा बिहेवियर गुड बिहेवियर करता है तो टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर कोई बच्चा बैड बिहेवियर करता है तो उसको उसी टाइम रोक के उसको सही करवाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि टीचर को खुद भी एंगेज होना पड़ेगा विद द इंपार्टिंग ऑफ द वैल्यू एजुकेशन। अब कौन कौन से डेवलपमेंट किए गए, की डेवलपमेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन के अंदर, तो सबसे पहला तो ये है नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है 1952-53 के अंदर इसको जो है वो क्या क्या एस्टेब्लिश किया था, और इसका जो मेन फोकस था वो था करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर, करेक्टर बिल्डिंग एज अ डिफाइनिंग गोल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, इसने बोला, इसने आध्यात्मिकता के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया और इसने ये बोला इफ वी एक्सक्लूड द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन वी वुड बी अनट्रू टू आवर होल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो इसने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। फिर 1964 के अंदर जो है वो एजुकेशन कमीशन जो है वो बैठा, इसने जो है वो स्पॉटलाइट दिया, फोकस किया किसके ऊपर, ऑन द एजुकेशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर आपका 1986 के अंदर जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, इसके अंदर जो है फोर्सफुली इसमें कल्टिवेट किया गया सोशल और मॉरल वैल्यूज को। फिर आपका 1992 के अंदर एनपीई जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 वाली, उसका एक्शन प्लान आया, तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या किया गया, इसने ट्राई किया टू इंटीग्रेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इनटू द करिकुलम एट ऑल द स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग द सेकेंडरी स्टेज। फिर आपकी ये 56 कमेटी रिपोर्ट आई, इसने जो है वो प्रेरणा मिली इसको रिज्यूम वर्क ऑन द वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन। फिर 2000 के अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन जो है वो लाया गया, जिसमें इंटीग्रेट किया वैल्यू एजुकेशन को, किसमें सिलेबस के अंदर जो है इंटीग्रेट किया गया। और फिर उसके बाद में है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो आया, इन बिटवीन जो है वो फ्रेमवर्क आया, तो इसने भी बेसिकली जो है वो बात की क्या कि बच्चों को जो है वो इक्वलिटी कॉन्सेप्ट इक्वलिटी और ये सब जो है वो सिखाया जाएगा किसके अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब जो है वो काम किया है, मतलब इंडिया के अंदर वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब काम किया। अब दिक्कत जो हो रही है वो मेन इशू क्या है, मतलब वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के पीछे का मेन इशू जो है वो ये है, दिक्कतें आ रही हैं वो सबसे पहले क्या, ग्लोबलाइजेशन। हम जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ की वैल्यू खत्म हो रही है। डाइवर्सिटी, इंडिया जो मल्टीलिंगुअल है, मल्टी कल्चर और मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कहीं पे कुछ चीज़ को सही माना गया, कहीं पे कुछ चीज़ को सही माना गया। फिर है इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी जो है वो ये बोलता है कि सभी को इंक्लूड करके चलना चाहिए, इनइक्वालिटी आपको नहीं करनी चाहिए। एनवायरनमेंट, बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है उनको बताएंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गए तो तब से वैल्यू बिल्कुल ही खत्म होते जा रही है। एंड मास एंड द सोशल मीडिया, उसके ऊपर बहुत सारी तरह तरह की बातें आती हैं तो उसकी वजह से कई बार क्या गॉसिप्स बन गए या कुछ भी, तो उसकी वजह से भी जो है लोगों के अंदर वैल्यू एजुकेशन का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। इसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो उसके लिए जो अपने अपने इंडिया के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन के अंदर जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए एनवायरमेंट का एक सब्जेक्ट जो इंकॉर्पोरेट किया गया ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसको पास करना जरूरी है, तो ताकि बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में भी जो है वो एजुकेट किया जा सके, चाहे उनका करिकुलम कोई भी हो। उसके बाद है मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन, इंडिया में सबसे दिक्कतें क्या क्या रही है। सबसे पहला वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो आ रही है वो है लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एक तो क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोपाइंड नहीं करवाई जा रही है। दूसरा, आवर एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस ग्रेजुएट विद डिग्री हु लैक द बेसिक नॉलेज, और दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे पास हो रहे लेकिन उनको बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद एक और दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि जो हमको हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप देखिएगा कॉमर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन वो उनको पता है, लेकिन बच्चों को मतलब वो दिखाते ही नहीं है कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। बता देंगे ऐसे ऐसे ट्रेडिंग करनी है, लेकिन कैसे होगा एक्चुअल के अंदर बच्चों को ये तक नहीं पता कि कैसे मैं अपने अकाउंट को ऑपरेट करूंगा, कैसे मैं मेरे डीमैट अकाउंट कहां पे ओपन करवाऊंगा, उसको कैसे ऑपरेट करूंगा, नॉलेज ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि प्रैक्टिकल पढ़ाई करवा रहे हैं बट थ्योरेटिकली करवा रहे हैं। एक और दिक्कत जो आ रही है अपने यहाँ पे वो ये है कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है काम करवाने के लिए। और दिक्कत जो है वो ये आ रही है कि हमारे यहाँ पे जो है बेसिकली क्या
लो क्वालिटी इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, जहां पे दे लैक द एडिक्यूट रिसोर्स एंड द क्वालिफाइड टीचर, वहां पे है ही नहीं, तो वहां पे जब पढ़ाने वाला ऐसा होगा तो नेचुरल बात है बच्चों को वो क्या नॉलेज देंगे। दूसरा ये है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक बैच में 100 से 200 स्टूडेंट होंगे तो टीचर जो है प्रॉपरली स्टूडेंट के ऊपर जो फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ हमारी जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। अब हायर एजुकेशन के अंदर क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, तो सबसे पहले ट्रेंड की अगर बात करें तो जनरल कोर्सेज जो है उनके अंदर सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है, लगभग 80% एनरोलमेंट तो जनरल कोर्सेज में, जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स के अंदर। इंजीनियरिंग एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इट्स पोजीशन एट द मोस्ट ऑफ द हाईली प्रेफर्ड प्रोफेशनल कोर्स, तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर इंजीनियरिंग जो है टॉप मोस्ट पे। डिग्री ग्रांटेड कोर्सेज जो है उनमें भी बहुत ज्यादा एनरोलमेंट अब देखने को मिली है रिगार्ड टू द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, बच्चे बहुत कम डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, मेजोरिटी बच्चे जो डिग्री कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं। फिर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गए, और उनकी इंक्रीज होने से, उनके बढ़ने से जो है वो हायर एजुकेशन का जो स्तर है वो भी क्या हो रहा है, अब लगातार बढ़ते भी जा रहा है, क्योंकि अब बहुत जगह पे जहां गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो वहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं बच्चों को हायर एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए। और फिर है लास्ट क्या, देर हैज बीन ए रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ प्रोफेशनल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और उनका जो अनएडिड प्राइवेट हायर एजुकेशन जो है ये भी लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद में एक ना ये है आयुष, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन। इसके अंदर ये बेसिकली ना एक सर्वे है जिसके अंदर डेटा बेस मेंटेन किया जाएगा कि अपने पूरे इंडिया के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं, इन सब के बारे में। तो उसके लिए एक जो डेटा बेस जो तैयार होगा उसको बोलते हैं आयुष। तो ये क्या है, MHRD ने इनिशिएट किया आयुष को इन ईयर 2010-11 में विद द रेफरेंस रेट, ये बता रखी है आपको। इसके अंदर बेसिकली क्या, ये आपको देगा आपको टू बिल्ड ए रोबस्ट डेटा बेस एंड टू असेस द करेक्ट पिक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। तो आयुष की नई जो अभी डेटा बेस जो आया 2019 का, तो उसके अंदर ये बोला गया, लिख लेना, ये ऐसे लिखवा दिया था आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो है इसके हिसाब से 993, लेकिन UGC के हिसाब से जो है वो है कितने, 950, 993 आयुष के हिसाब से है, जिसमें से कुछ को अभी जो है अप्रूवल नहीं मिली है। तो एज पर UGC 950 है, आयुष के हिसाब से 993, ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलेज है 39931, 39931, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3.73 करोड़, नंबर ऑफ टीचर है 14.16 लाख, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है वो है आपका 26.3, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है 1.00, और टीचर रेशियो जो वो है 29। तो बेसिकली आयुष जो है वो क्या करता है, हायर एजुकेशन के बारे में डेटाबेस तैयार करता है कि कितने बच्चे हैं, कितना क्या रेशियो चल रहा है, उन सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूंगा की इशू हायर एजुकेशन को फैलने से जो चीज़ रोक रही है, जो मेन दिक्कत आ रही है वो क्या, सबसे पहला एक्सेस, हायर एजुकेशन का एक्सेस जो है वो हर जगह पे नहीं है। दूसरा इक्विटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, फिर क्वालिटी और एक्सेलेंस कम होते जा रही है, फिर रेलिवेंसी जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इनकी वजह से अपने को प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा नए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आया ज्ञान, ज्ञान की अगर बात करूं तो ये क्या, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, जिसके अंदर साइंटिस्ट को बोला गया कि आप साइंटिस्ट आता टैलेंट पूल बोलते हैं उसको, तो साइंटिस्ट को जो है वो क्या बोला गया, टेपिंग द टैलेंट पूल ऑफ द साइंटिस्ट एंड द एंटरप्रेन्योर इंटरेस्टेड टू एनकरेज देयर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया टू ऑगमेंट द कंट्री एग्जिस्टिंग एकेडमिक रिसोर्स, एक्सीलरेट द पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म एंड एलिवेट द इंडियन साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी टू ग्लोबल एक्सीलेंस। बेसिकली यहां पे जो है वो क्या किया गया, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनको बोला गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आप आए और आप आगे अपना जो है वो ज्ञान उन इंस्टीट्यूशन के अंदर आगे बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे जो है उसका बढ़िया तरीके से उसको एक ग्लोबल पिक्चर मिल सके कि एक्चुअल के अंदर रियलिटी के अंदर क्या हो रहा है, और उसका जो है वो ज्ञान और भी बढ़े। तो उसके लिए ज्ञान करके ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एकेडमिक नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किया गया। फिर एक समवे सिस्टम आया था, वोकेशनल सिस्टम, अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल वोकेशनल स्किल सिखाने के लिए लोगों को एम्प्लॉयबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए जो है समवे सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म जो है जो आपको याद करना पड़ेगा वो है स्किल असेसमेंट मेट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द यूथ। फिर है कैंपस कनेक्ट, ये तो आपको मैंने NMEICT के अंदर पढ़ा दिया था कि अपने इंडिया के अंदर जो है वो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन आया थ्रू द किसके थ्रू, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये इसको बोलते हैं कैंपस कनेक्ट, इन्होंने स्टार्ट किया था, तो जिसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को आपस में जो है वो क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है, 1 GBPS वाला स्पीड वाला हमने ICT के अंदर पढ़ा था। फिर नेशनल ई लाइब्रेरी, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, नेशनल ई लाइब्रेरी एक डेटाबेस है वो तैयार किया गया, जहाँ पे आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। फिर नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके लिए आपको मैंने बता दिया हायर एजुकेशन की रैंकिंग के लिए जो है वो सिस्टम अपने यहाँ पे आया है, ठीक है, तो अब जिनका अब एक्रीडेशन जो है वो क्या करते हैं, अब हम प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग रैंकिंग सिस्टम है, NAC हो गया, NB हो गया, ये सब। इसके बाद मैंडेटरी एक्रीडेशन,
कुछ कॉलेजेस हैं उनके लिए क्या किया गया, मैंडेटरी मतलब अपने इंडिया के अंदर जो है वो मैंडेटरी एक्रेडिटेशन जो है वो आ गया है, मतलब हर यूनिवर्सिटी को कॉलेज को जो है वो अपने आप को जो है वो मैंडेटरी एक्रेडिट करवाना पड़ेगा, मतलब उसको मान्यता लेनी पड़ेगी। फिर है बीवोक, बीवोक सिस्टम आपको मैंने बताया था अभी कि वोकेशनल डिग्रीज को या वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो अपना ये बीवोक सिस्टम आया जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेसिकली क्या डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, किसके लिए, फॉर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए। ऑब्जेक्टिव जो था इसका वो ये था टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ, यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, ठीक है, मेंटेन देयर कॉम्पिटेंस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट लर्निंग प्रोग्राम लेके आए एंड टू फिल द गैप बिटवीन द एजुकेटेड एंड द एम्प्लॉयबल। क्योंकि बच्चे पढ़ तो रहे थे लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है ड्यू टू द लैक ऑफ उसके अंदर स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए बीवोक सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया। उसके बाद है एजुकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल जो है इसको लेके गया, इसको सेटअप किया गया जिसके अंदर एकेडमिक फैकल्टी जो है उनके रोल को एक बार जो है वो क्या किया गया, रोबस्ट किया गया, ठीक है, टीचर क्वालिफिकेशन के बारे में जो है बताया गया। फिर है कौशल केंद्र, कौशल केंद्र जो है ये आए थे बेसिकली किसके लिए, यहां पे कंसर्ट इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री है उसके स्पेशलाइज एरिया को जो है वो यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा फोकस डाला गया। तो कौशल केंद्र के अंदर जो है वो क्या होता है 100 दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर द नॉलेज एक्विजिशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्ड ह्यूमन एबिलिटी एंड लिवलीहुड करके जो है इसको स्टार्ट किया गया। ये जो केंद्र है विल फॉर्मेट कोर्सेज एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, कीपिंग इन माइंड ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज जो है वो बनाते हैं और किस बात को ध्यान में रखें कि इंडस्ट्री के अंदर क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन, पेडागोजी, इन सबको ध्यान में रखते हुए। फिर उन्नत भारत अभियान जो है वो चलाया गया जिसके अंदर जो है वो क्या अपने इंडिया के जो लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया गया एजुकेशन के अंदर, ताकि कुछ जो बेसिक हमारे जो दिक्कतें हैं लाइक आपका फोकस ऑन द वाटर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फ्लगल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अंदर उन लोगों को इंक्लूड किया जाए, तो उसके लिए जो है वो उन्नत भारत अभियान जो है वो चलाया गया। इसके बाद है ये ईशान उदय, ईशान उदय स्कीम, ईशान विकास, ये दोनों जो है वो लाई गई हैं किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जो बच्चे उनको प्रमोट करने के लिए, शिक्षा के लिए जो है वो ईशान उदय स्कीम जो है वो लाए हैं। फिर साक्षर भारत जो है वो स्कीम आई थी एडल्ट लिटरेसी के लिए, ठीक है, ये साक्षर भारत करके जो है वो स्कीम आई। और फिर लास्ट है कौन सा, प्रगति, प्रगति की अगर हम बात करेंगे तो प्रगति का जो मेन एम था वो है टू सपोर्ट द गर्ल चाइल्ड टू परस्यू द टेक्निकल एजुकेशन, तो लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए जो वो एक नया स्कीम आया जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्रगति। ओके, हाँ जी, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, या मत पढ़िएगा, ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं एक इसकी ऑडियो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा जिसमें दो तीन कुछ बातें जो आपको याद करनी है गवर्नेंस के बारे में, बाकी और कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ जी, लो जी, अपना हायर एजुकेशन जो है वो हो गया कंप्लीट, लगभग एक घंटा अपने को लगा है और पूरा का पूरा हायर एजुकेशन हमने थोरोली कर लिया। इतना आपको पढ़ के जाना है, ये सारा का सारा हायर एजुकेशन, इसी में से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो बढ़िया तरीके से आप इसका रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, और रीडिंग करके उसको क्रैमिंग भी करना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे समझने की चीज़ें थोड़ी सी कम है और लर्निंग की ज़्यादा है, तो आपको याद भी साथ साथ करनी है। ओके, हाँ जी, और सबसे पहले तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारी YouTube फैमिली जो है वो बढ़ के 50,000 क्रॉस हो गई है, तो उसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, आप सबकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया कि हम लोग जो है वो 50,000 को क्रॉस कर लिया हमने अभी, और अभी तो बहुत आगे तक जाना है हमने, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी, और आपकी वजह से ये, इनफैक्ट ये अचीवमेंट तो मेरी है बट ये अचीवमेंट एक्चुअल में आप सभी लोगों की है, क्योंकि आप सबका प्यार मिला तो उसकी वजह से देखिए आज हम यहां तक इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, और यहां तक पहुंच गए तो नेचुरल बात आगे भी जाएंगे। अच्छा, दो तीन बात और, अभी पेपर को जो है वो जर्नी रह गए 6 दिन, कल से 6 दिन है, तो बच्चे कुछ बच्चों के माइंड में जो है वो कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कि हम छोड़ दें, हम ना करें तैयारी, ये करें वो करें, देखो तुम छोड़ के कर भी क्या लोगे, क्योंकि इन 6 दिन में तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है ना, तो ये कायरता होती है बीच में छोड़ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसको पूरा करना है, ठीक है, 6 दिन रह गए, आप तैयारी करो यार, आप 6 दिन प्रॉपरली आप तैयारी करो बढ़िया तरीके से, जो आपने प्लानिंग की थी उसके हिसाब से प्रॉपर आप तैयारी करो, और 6 दिन के बाद में फिर पेपर दे के आओ। आप ये मत सोचो 6 दिन के बाद में क्या होगा, आप बस इन 6 दिनों के बारे में सोचो कि ये 6 डेज हैं मेरे पास में, इसी के अंदर मुझे मेरा पूरा फोकस जो है वो खुद के ऊपर लगाना है और मुझे काम करना है, बस बात खत्म हो गई, डेट सिंपल। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, अगर सारा टाइम आप खुद के ऊपर लगाएंगे, अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो नेचुरल बात है आपको बहुत चीज उससे निकल के भी आएगी, तो यार आप ऐसा मत सोचिए, गिव अप के बारे में मत सोचिएगा, आप बस ये सोचिए कि ये मेरे को जो टाइम मिला है 6 डेज का, मुझे इसके अंदर प्रॉपरली मेरा काम करना है, 6 दिन के बाद में क्या होना है, क्या होगा, फ्यूचर क्या है, उस चीज को छोड़ दीजिए,
उसको आप मत ध्यान में लाइए। और दूसरी बात ये कि लोग बोल रहे हैं एमसीक्यूज के बारे में, भाई एमसीक्यूज पे फोकस कम कीजिए। आप दिन में 2 घंटे निकालो, 1 घंटा पेपर 1 के एमसीक्यूज के लिए, 1 घंटा पेपर 2 के एमसीक्यूज के लिए। इतना प्रैक्टिस बहुत है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने का आपको। आप प्रैक्टिस थोड़ा कम कीजिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए। एमसीक्यूज डायरेक्टली उठ के इट्स नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखिएगा, पिछला जो पेपर हुआ दिसंबर 2019 के अंदर, उसके उसमें सबके यूजीसी ने, एनटीए ने सबके जो है वो चीटड़े उड़ा दिए, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं मारा उसने। जर्नली सारे न्यू नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना के दिए। तो आपको अपना फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर रखना है। आप रिवाइज लगातार करें, एमसीक्यूज करें प्रैक्टिस, 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा पेपर 2, ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे कि हाँ इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा एमसीक्यूज में ध्यान मत दो, मतलब यू नहीं कि आपने एमसीक्यूज के ऊपर आप एमसीक्यूज जो है वो लेके बैठे और आपने 3-4 घंटे लगा दिए, उसके अंदर आप पूरा एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो यार। तो आपको बस एमसीक्यू पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर पढ़ा। इतना वक्त नहीं है कि आप उसके ऊपर एनालिसिस करें। ओके, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली जो है वो सोचें और उसके हिसाब से अपने आप को जो है दोबारा से एक बार ऑर्गेनाइज कीजिए। और प्लीज यार गिव अप मत करना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुमने डिसीजन कैसे लिया कि तुम छोड़ दोगे? अरे तुम, हम भी हैं तुम्हारे साथ में, हम भी जुड़े हुए हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर तुम छोड़ दोगे तो हमारी भी मेहनत खराब, घर वालों की मेहनत खराब, ऐसा नहीं होता। अब अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको आगे जाना है, तो राजा कोई अकेला नहीं बनता। आपकी नॉलेज के साथ में, आपके प्रैक्टिस के साथ में, आपकी पढ़ाई के साथ में हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। हम भी आपको लेके जा रहे हैं आगे, ठीक है? हम भी आपको दिशा दिखा रहे हैं। घर वाले, उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको। अगर आप गिव अप करते हो, डेट मीन्स कि आपने तीन लोग, आपका टीचर, आप खुद और आपके पेरेंट्स, इन तीनों का डिसीजन आपने अकेले कैसे ले लिया? अरे जब तीनों ने मिलके जो है वो इंटीग्रेटेड एफर्ट लगा के आपको यहां तक पहुंचा है, तो नेचुरल बात है आप यार ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं इसको गिवअप कर दूं। यू आपके पास राइट ही नहीं है उस चीज का। तो कृपया करके आप गिवअप के बारे में बिल्कुल मत सोचें। आप प्रॉपरली मेहनत करते रहें और बस आगे के बारे में सोचें कि हाँ मुझे जो है वो प्रैक्टिस करनी है, अभी मुझे तैयारी करनी है। आगे क्या होगा एग्जाम के अंदर वो तब की तब देखेंगे। ओके जी, चलो ये हो गया अपना आज का हायर एजुकेशन। लगे रहें बढ़िया तरीके से और काम करते रहें। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा, हम उसको सही करेंगे। ओके, और अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारी ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे कल मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और भी बढ़िया। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स अगर ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं आगे दिसंबर एग्जाम के लिए, तो उसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप लोग जो है वो हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं, जिसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों की पढ़ाई करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो इतना कीजिए, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।